अवामी मसाइल पर बात करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में फायरवॉल की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम तेज़ कर दिया गया है। कुछ वजूहत इसकी सामने आई हैं कि क्यों नेटवर्क सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। तो आपको बता दें कि फायरवॉल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि मकामी और कुछ इंटरनेशनल गेटवे पर लगेंगे, और इसमें क्या कुछ होगा बात करेंगे। मलिक सईद अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक सईद बताएगा क्या बातें सामने आ सकी हैं इस हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान में फायरवॉल की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। तमाम कुछ तकनीकी वजूहत की वजह से जो है वो काम में मुश्किल जो है वो सामने आ रही है। फायरवॉल के कुछ कंपोनेंट मुकामी और कुछ इंटरनेशनल गेटवे जो है वो उस पर लगेंगे। स्लो इंटरनेट की शिकायत के बाद सीसीए ने जो है वो फायरवॉल पर आफ पीक आवर्स में काम करने की हदायत जारी कर दी है। जराये के मुताबिक महदूद पैमाने पर चेकिंग के बाद ही बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनियों के एक दूसरे से मुख्तलिफ और पुराने हालात फायरवॉल की अपग्रेडेशन में मुश्किल पैदा करें। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर के हालात हम आम न होने की वजह से भी तकनीकी मसाइल पैदा हो रहे हैं। किसी कंपनी के हालात वो सिस्को के हैं या फिर किसी के आवाजों के किसी के ZTE के ठीक है, इसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।